हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। तो बीच में थोड़ा दो तीन दिन का गैप रह गया। आज हम इस लेक्चर में डिटरमिनेंट का जो रिमेनिंग पार्ट है, अब डिटरमिनेंट पर सिर्फ दो लेक्चर है, एक आज का लेक्चर और एक आखिरी लेक्चर कल या परसों के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके साथ में डिटरमिनेंट के सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप रिवाइज कर लें, याद कीजिए। हमने इससे पिछले लेक्चर में क्या किया था, हमने इससे पिछले लेक्चर में जो लीनियर इक्वेशंस हैं, रैखिक समीकरण, उन्हें सॉल्व करना सीखा था। एक चर वाली रैखिक समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, इससे रिलेटेड जो बातें हुई थी। तो पहले तो मैं शुरुआत में ही इस वीडियो में एक क्वेश्चन लेता हूं और आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन आपके सामने है, ए एक्स प्लस बी, सॉरी प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। फिर है एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास में एक इक्वेशन दे रखी है आपको तीनों, और क्वेश्चन में यहां कहा गया है व्हेन एक्स वाई जेड Not all zero, then prove that one upon one minus a plus one upon one minus b plus one upon one minus c is equal to one। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे सोचिए। सोचने पर आपको देखने सबसे पहले क्या नोटिस किया, सबसे पहले हमने नोटिस किया कि जो आपका सिस्टम गिवन है, यह सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम है। है या नहीं है? सामने जो जीरो 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 आ जाते हैं तो वो सिस्टम कैसा होता है? होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है कि व्हेन ऑल एक्स, एक तो रिजल्ट ये आता है एक्स वाई जेड ऑल आर जीरो। यहां पर देखिए, एक्स की जगह पर जीरो, वाई की जगह पर जीरो, जेड जगह जीरो, सब जगह पर जीरो 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 पुट करेंगे तो आपकी तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ये रिजल्ट तब आता है जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये बात आई होप पीछे के लेक्चर में आपको बताई जा चुकी है। तो अब मैं यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड ऑल नॉट आर जीरो, नॉट ऑल जीरो, सबके सब जीरो नहीं है, तो फिर कौन सा मतलब सिस्टम हो गया? फिर ये होमोजीनियस सिस्टम तो है, लेकिन होमोजीनियस सिस्टम की भी कौन सी कंडीशन हो गई? ये कंडीशन हो गई, दिस इंप्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। और डेल्टा इक्वल टू जीरो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट कैसे बनेगी डेल्टा, ए वन वन, ए वन वन, वन बी वन और वन वन सी इक्वल टू जीरो। बस आपका काम यह है कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो और यहां तक पहुंच जाओ। बात तो समझ रहे हैं, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आपको यहां तक पहुंचना है। मेरे हिसाब से आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। आज मैं इसको सॉल्व करने का आपको एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, समझिएगा। आपको क्या प्रूव करना है, वन अपॉन वन माइनस ए प्लस वन अपॉन वन माइनस बी प्लस वन अपॉन वन माइनस सी, ये प्रूव करना है ना। आप इक्वल टू वन, मैं ये कहूं मान लो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि कंपटीशन में जब क्वेश्चन आएगा तो प्रूव करने का तो आएगा नहीं। क्वेश्चन क्या कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, ध्यान दीजिए, ए की जगह पर मैंने टू ले लिया, ठीक है, बी की जगह पर भी मैंने टू ले लिया। आप कहोगे नहीं भी टू नहीं, कुछ अलग ले लो, अपनी मर्जी से कोई भी दो डिजिट, हाँ वन मत ले लेना बस, क्योंकि वन माइनस वन, वन माइनस वन गड़बड़ हो जाएगा, जीरो जीरो, मतलब ए और बी की जगह पर मैंने ये ले लिए। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो यहां से मुझे क्या मिला, देखो वन अपॉन वन माइनस टू। ये शॉर्ट ट्रिक है कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आप सॉल्व करने के लिए, ए और बी की वैल्यू आप तीनों की नहीं लेंगे, किसी भी ले लिया जाए, नहीं तीनों की वैल्यू नहीं ले, इनमें से ए और बी की वैल्यू इस प्रकार से ले ले, ठीक है। ए और बी की वैल्यू इस प्रकार से ले ली आपने,
तो हमें जो वैल्यू आपको मिली, सामने क्या दे रखा है आपको, वन। मान लो एक ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा आपको इस तरीके से। आपको ये क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ हो सकता है कि दिस सिस्टम एंड दिस इज इक्वल टू वन, तब आपको पूछ ले कि ये जो सिस्टम है ये होमोजीनियस सिस्टम तो है, इसमें डेल्टा इक्वल टू जीरो आएगा या डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो वो केस मैं यहाँ से कर रहा हूँ कि ए की जगह पर दो ले लिया, बी की जगह, तो ये क्या हो गया, वन अपॉन वन माइनस टू, मतलब माइनस वन, माइनस वन प्लस वन अपॉन वन माइनस सी इज इक्वल टू वन। यहाँ से अगर आप देखें तो माइनस टू उधर गया तो प्लस का टू, तो वन अपॉन वन माइनस सी इक्वल टू थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया वन इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री सी, यानी थ्री सी इज इक्वल टू, ये देखो इधर आया ये उधर गया टू, तो सी इक्वल टू टू बाई थ्री। ये वैल्यूज यहां पर रख दो, क्या करो, ए की जगह पर आप क्या पुट करोगे, टू, बी की जगह ये वन वन, यहां पर वन टू वन और वन वन टू बाई थ्री। इस डिटर्मिनेंट की आप वैल्यू कैलकुलेट करना, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। देखता हूं मैं आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो 2 × 2 × 2/3 तो कितना हो गया 8/3, 1 × 1 × 1 प्लस का 1, 1 × 1 × 1 प्लस का 1, माइनस 1 × 2 × 2 तो आप कहोगे 2, 1 × 1 × 1 आप कहोगे 2, ठीक है, 2/3 × 1 × 1 प्लस का 2/3, ये कितना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैं देख पा रहा हूँ कि ये हो गया अपने पास में 6 और 8 14/3 और 3 × 2 6 6 12 और 13 14 14/3 माइनस 14/3 इक्वल टू जीरो। मतलब ये हुआ कि हमें इस सिस्टम में ये कह रखा था एक्स वाई जेड ऑल नॉट आर जीरो, देन प्रूव दैट दिस, हमने इसको सही मान लिया कि ये सही है, और इसको सही मानते हुए मैंने ए और बी की वैल्यू अज्यूम की, लेट ए इक्वल टू टू एंड बी इक्वल टू थ्री। ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि हम इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि एक डिटरमिनेंट बने उसका एक वैल्यू जीरो आए, ठीक है, कंडीशन ये लेके आनी है, तो आप इस कंडीशन को सही मान लो ना, कंडीशन को सही मान लिया, एक्स की जगह पर टू, बी सॉरी ए की जगह पर टू, बी की जगह पर टू अपनी तरफ से रख दिया, सी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट, तीनों की नहीं माननी है, दो की ले लेनी है, एक शॉर्ट ट्रिक है, सी की वैल्यू आ गई, फिर आपने ए बी सी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दी, देखा कि जीरो आ गया, इसका मतलब क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, ये कब आई, जब हमने इसको सही माना, इसका मतलब डिटरमिनेंट जीरो है तो ये सही होगा, ये सही है तो डिटरमिनेंट जीरो होगा, और डिटरमिनेंट जीरो कब होगा, जब एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो। ये भी हमारे पास में एक ट्रिक है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, ये एक नई बात थी इसलिए मैंने आपको इस प्रकार से करवा दी। बाकी मैं आगे बढ़ता हूं, हाँ, बाकी अगर मान लो आप इस चीज को नहीं मानना चाहते कि नहीं भाई मैं तो इसको ऐसे ट्रिक व्रिक नहीं लगाऊंगा, तो आपके पास में ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो है, इसको सॉल्व करो, सारुस फॉर्मूला वॉर्मूला जो भी आप लगाना चाहते हैं, ये ए बी सी वन 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 ऐसे ना सॉल्व करके इक्वल टू जीरो लिखो, फिर कुछ किससे डिवाइड करना है, कैसे क्या डिवाइड करना है, ये आना चाहिए बस, ठीक है। ज़्यादा बेहतर ये रहेगा, आप सबसे पहले इस रो इसको इसमें से माइनस कर लो, ठीक है, और ऐसे ही इसको इसमें से भी माइनस कर लो, मतलब रो वन को फिक्स करके, रो कॉलम वन को, कॉलम टू माइनस कॉलम ऐसे करके, फिर आप आगे बढ़ना, आसानी से आप इस रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था, ये बातें जो मैंने आपको कहा था कि वो जो चार्ट मैंने बनाए थे वो चार्ट हमें याद होने चाहिए। ओके, अब मैं टॉपिक को आगे की ओर और बढ़ा रहा हूं। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जेई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सिस्टम देखा एक्स सॉरी लैम्डा एक्स प्लस कोस थीटा इंटू वाई प्लस कोस थीटा इंटू जेड इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन है एक्स प्लस कोस थीटा इंटू वाई प्लस साइन थीटा इंटू जेड इक्वल टू जीरो माइनस एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई माइनस कोस थीटा इंटू जेड इज इक्वल टू जीरो। और क्वेश्चन ये लिखा हुआ है द सिस्टम हैज़
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब सिस्टम जो है निकाय के अतुच्छ हल है। अतुच्छ हल होने का मतलब एक्स वाई जेड ऑल आर नॉट इक्वल टू जीरो। ट्रिवियल सॉल्यूशन कब कहते हैं? जब एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो आता है। यह सिस्टम ऐसा है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों जीरो नहीं है, ठीक है। फाइंड रेंज ऑफ लैम्डा, फाइंड रेंज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की प्रास ज्ञात कीजिए, यानी लैम्डा का मान कौन से अंतराल में होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो बताओ, जेई का क्वेश्चन है, सोचो ए सिस्टम जो कि होमोजीनियस है। फॉर ए होमोजीनियस सिस्टम द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सिस्टम के अतुच्छ हल कब होते हैं? अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कहा ऑल एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू जीरो कब? व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। और डेल्टा इक्वल टू जीरो, डेल्टा क्या बनेगा देखो यहां से, लैम्डा कॉस थीटा, कॉस थीटा, यहां से वन कॉस थीटा साइन थीटा, यहां से माइनस वन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। बस काम इतना सा ही तो है, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। सारू फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखो लैम्डा इंटू कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, तो माइनस लैम्डा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू माइनस वन, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू वन इंटू साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो हो गया ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लीकेशन। अब करो नीचे से ऊपर की ओर, माइनस लगा दो, माइनस वन इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा इंटू लैम्डा, तो प्लस लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा इंटू वन इंटू कॉस थीटा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। बस काम इतना सही तो हुआ, सॉल्व करना आपको। ये हो गया माइनस का लैम्डा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का कॉस, देखो ये हो गया माइनस का टू कॉस स्क्वायर, और बाहर वाले माइनस से हो गया प्लस का टू कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से माइनस लैम्डा कॉमन आ रहा है, आप देख पाएंगे माइनस लैम्डा कॉमन लेते ही बनाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक हो गया, मतलब माइनस लैम्डा बच गया, माइनस लैम्डा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मिल गया लैम्डा इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लैम्डा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताना, हम जानते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में होती है, हाँ या नहीं? माइनस वन से प्लस वन के बीच में जीरो होता है। अगर स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाते हैं क्या? स्क्वायर करने पर नेगेटिव वाले नंबर पॉजिटिव बन जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? जीरो से लेकर के वन तक, वन का स्क्वायर वन ही होता है। फिर आप यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो टू इंटू जीरो, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये कितना हो गया दो, तो इसका मतलब टू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जीरो से टू हो गई क्या? और टू कॉस स्क्वायर थीटा लैम्डा के इक्वल है, इसका मतलब लैम्डा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? जीरो से लेकर के टू तक, ये लैम्डा की रेंज आ गई। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं कंपटीशन एग्जाम में, आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक आखिरी टॉपिक की ओर बढ़ रहा हूं, ये सब मिटा रहा हूं मैं। अच्छा, एक बात छोटी सी मैं आपसे करना चाह रहा हूँ पहले ही, हालांकि जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मेरे पास में कोई क्वेश्चन नहीं है, कंटेंट सारा इसी लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। बस मैं कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों की तरफ से प्रॉब्लम्स पूछी जा चुकी हैं, और मुझे लगता है कि अपनी बुक में या एनसीईआरटी में से वो क्वेश्चन जो हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत है, तो मैं उन क्वेश्चंस को शामिल करते हुए नेक्स्ट लेक्चर, चाहे वो कल या परसों, जब भी आपको प्रोवाइड करवा सकूं, मैं कोशिश करूंगा उसमें वो क्वेश्चंस लेने की जो आपने, जिनमें आपने प्रॉब्लम फेस की है। लेकिन मैं फिर भी एक बात यहाँ करना चाहूँगा, अगर आपको एक सिस्टम दे दिया जाए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, या ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री, ये सिस्टम जो है
इस सिस्टम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैट्रिक्स फॉर्मेट में, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू, डिटर्मिनेंट नहीं मैट्रिक्स, बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये एक डिटर्मिनेंट हो गई, सॉरी मैट्रिक्स हो गई, एक्स वाई जेड ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। देखो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम से, तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड, इक्वल में जो है उसको भी मैट्रिक्स में लिख दो डी वन डी टू डी थ्री। और यहां से इसे पहली मैट्रिक्स को ए, दूसरी मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स और तीसरी मैट्रिक्स को बी बोल देता हूं मैं। जैसे ही मैं ये बोलता हूं तो मुझे बताओ एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए, बी अपॉन ए का मतलब क्या हो गया भाई, ए इनवर्स बी हो गया क्या? और ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सिस्टम की बात ऐसे करनी तो सबसे पहले उस सिस्टम को मैट्रिक्स मेथड फॉर्मेट में लिख दो। पहली मैट्रिक्स कैसे बनेगी, इनके कॉफिशेंट से, गुणांकों से बनेगी। दूसरी मैट्रिक्स एक्स वाई जेड से बनेगी। तीसरी मैट्रिक्स सामने वालों से बनेगी, ठीक है। उसके बाद में आपका काम क्या है, पहली मैट्रिक्स जो है इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बता दो, आ जाएगी वो यहाँ रख देंगे। फिर पहली मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए आपको देखो ऐसे तरीका बताया था, पहले तीनों लिख लिए, फिर आपको ये रिपीट, पहला कॉलम रिपीट, दूसरा कॉलम रिपीट, फिर पहली रो रिपीट, दूसरी रो रिपीट, फिर इसको और इसको छोड़ दो, फिर इनको ऐसे क्रॉस करते जाओ, ये आ गए कोफैक्टर्स, और फिर कोफैक्टर्स से बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर क्या मिल जाती है आपको, एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट आ जाएगी। उस एडजॉइंट मैट्रिक्स का बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगी थ्री क्रॉस थ्री की, मैट्रिक्स बी ये सामने वाली मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये है थ्री क्रॉस वन की, तो यहाँ पर आप देखेंगे थ्री क्रॉस वन की एक मैट्रिक्स आएगी, थ्री क्रॉस वन की ऐसे आएगी, एक एलिमेंट ये आएगा, यहाँ बार वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए से सबसे डिवाइड हो जाएगा, मैट्रिक्स में डिवाइड होने का मतलब सबके सब डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये इसके नीचे भी वो वैल्यू आ जाएगी, और इधर जो मैट्रिक्स बचेगी वो एक्स वाई जेड, तो आप देखेंगे एक्स इक्वल टू ये फर्स्ट वैल्यू, वाई इक्वल टू सेकेंड वैल्यू, जेड इक्वल टू थर्ड वैल्यू। इस मेथड को मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं इसमें से एक क्वेश्चन तो कम से कम करवाया जाए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने कर दूंगा। हाँ अगर मान लो आपकी आपको सिर्फ दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तीसरी इक्वेशन नहीं है, अब जो मैट्रिक्स बनेगी वो दो क्रॉस दो की बनेगी, ये दो क्रॉस एक की बनेगी, सामने वाली ऐसी बनेगी, तब और भी आसान काम हो गया, दो क्रॉस दो की मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना तो और भी आसान होता है, सिर्फ क्या करते हैं इसको पलट देते हैं, इनके साइन बदल देते हैं तो एडजॉइंट आ जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं जो अपने को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करनी है थोड़ी सी। आज मैं 10 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी हिंदी में लंबिक आव्यूह, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लंबिक आव्यूह। लेक्चर नहीं आ रहे हैं, कई बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसका रीजन आपको पता है कि अपना एक एजू ड्रीम ऐप है जिस पर मैं डेली क्लासेस ले रहा हूँ और डेली एक एक वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, ट्वेल्थ क्लास का अभी उसमें वेक्टर 3D टॉपिक चल रहा है, वेक्टर में काफ़ी आगे तक जा चुके हैं अपन, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तक, और ये जो अपना 11th क्लास में है वहाँ पर 2D चल रही है। हाँ 12th के स्टूडेंट अगर 2D पढ़ना चाहते हैं तो थोड़े से टाइम बाद में अपने इसी चैनल पर, जब सब कुछ थोड़ा सा सिस्टम से हो जाएगा उसके बाद में मैं इस अपने YouTube चैनल पर मैथ्स मीटिंग विद एपी सर में आपको 2D कराऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम करने वाले हैं उस 2D को, लगभग एक महीने डेढ़ महीने का टॉपिक रहेगा, बहुत सी चीज़ें जो कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट टिक करने वाली होती हैं वो हम करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स इसका मतलब दो क्रॉस दो का या तीन क्रॉस तीन का कैसी भी हो सकती है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए के साथ में ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए या फिर ए के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर दिया और आपको आई मिल जाए तो आपका मैट्रिक्स ए जो है वो ऑर्थोगोनल यानी लंबिक आव्यूह कहलाता है।
मतलब यह है परिभाषा, अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, देन द मैट्रिक्स इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक अवयव को लंबिक अवयव कहते हैं यदि और केवल यदि ए ए का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई। ओके, अब कैसे सोचिएगा, क्वेश्चन ही ले रहा हूं मैं, एक मैट्रिक्स ए दे दिया आपको और मैट्रिक्स में ये है रूट थ्री बाई टू वन बाई टू माइनस वन बाई टू और रूट थ्री बाई टू। ठीक है भाई, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और इस मैट्रिक्स के बारे में आपसे कहा जाए कि क्या ये ऑर्थोगोनल है। तो आपका जवाब क्या होगा, हम चेक करेंगे क्या कैसे। सबसे पहले ए ए का ट्रांसपोज करेंगे, ए ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, पहले ए लिख दो रूट थ्री बाई टू वन बाई टू। ऐसा तो नहीं है बहुत दिन हो गए ट्रांसपोज भूल गए हो आप, मैट्रिक्स में पढ़ा था ट्रांसपोज में क्या होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना के लिखो, मतलब रूट थ्री बाई टू और ये वन बाई टू यहाँ लिख देंगे और माइनस वन बाई टू इधर चला जाएगा, माइनस वन बाई टू रूट थ्री बाई टू। कीजिए देखिए इसको, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रूट थ्री बाई टू मल्टीप्लाई बाई रूट थ्री बाई टू, थ्री बाई फोर आगे बढ़े इसमें नीचे वन बाई टू प्लस इंटू मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू वन बाई फोर, थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर वन, रूट थ्री बाई टू की माइनस वन बाई टू से तो रूट माइनस रूट थ्री बाई फोर और इसकी इससे तो प्लस रूट थ्री बाई फोर मतलब जीरो, ये जीरो वन ये आई आएगा। सेम ऐसे ही आप ए का ट्रांसपोज और ए इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो भी आपको क्या मिलने वाला है, आई मिलने वाला है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका उसके ट्रांसपोज, ट्रांसपोज यानी परिवर्त, परिवर्त कैसे मिलता है, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से आपको क्या मिल जाता है, ट्रांसपोज मिल जाता है। तो किसी मैट्रिक्स की उसके ट्रांसपोज के साथ में मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयव मिलता है, तो आपका मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, लंबिक अवयव कहलाता है। ओके, बस इतनी सी बात लिखी नहीं कि कुछ और बातें अपने आप निकल करके आनी शुरू हो जाएंगी। ये एक्चुअली ये टॉपिक वहां ले लेना चाहिए था मुझे जहां मैंने आइडम्पोटेंट निलपोटेंट पीरियोडिक मैट्रिक्स नाम याद है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडम्पोटेंट, क्या क्या नाम थे वो, बड़े अजीब अजीब से नाम थे, इनवॉलंटरी, ठीक है, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स क्या होते थे, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स में ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आया था, ठीक है, ए स्क्वायर करने पर आई मिलता है तो क्या होती है, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट क्या होती थी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मिल जाए तो आइडम्पोटेंट, निलपोटेंट मतलब ए की पावर कोई भी के तो आपको ओ मिल जाए तो निलपोटेंट, और एक पीरियोडिक मैट्रिक्स भी होती थी कि ए की पावर में कुछ भी है यहाँ पर आपको ऐसा केस मिल जाए कि वहाँ पर वापस ए ही आ जाए, ठीक है, मतलब आप जैसे मान लो ए की पावर थ्री इक्वल टू ए आ गया तो ये सेकंड ऑर्डर की पीरियोडिक मैट्रिक्स होती थी, वहीं पर ये टॉपिक होना चाहिए था लेकिन अब देख लो इसको लंबिक अवयव में। अब इसमें एक खास बात, खास बात ये है, मैं जो लाइन लिखने जा रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज प्लस माइनस वन। किसी लंबिक अवयव का सारणिक मान क्या होता है, या तो प्लस एक होता है या माइनस एक, आपको कैसे, बिल्कुल आपको जवाब यहीं से मिल जाएगा। देखो मैं दोनों साइड डिटरमिनेंट लगा रहा हूं, ए ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, हमें पता है कि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उन पर डिटरमिनेंट लगा हुआ हो तो अलग अलग लिख देते हैं क्या, ये भी यही आ जाएगी क्या बात, इक्वल टू आई यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू वन। अच्छा ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ही तो है,
किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट वैल्यू उतनी ही होती है। तो यहाँ से अगर बात करूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कितना आ गया, 1, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, प्लस माइनस 1। ओके, तो ये भी एक नई बात है जिसको आप याद रख लेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चंस की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, हाँ ये एक क्वेश्चन ऐसे है, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, देन प्रूव दैट, प्रूव दैट ए इंटू बी यानी ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। ओके, क्या लिखोगे आप, यदि ए तथा बी लंबिक आव्यूह हो, यदि ए तथा बी लंबिक आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी भी लंबिक होगी। कैसे, इसका मतलब यह है आपको गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट ए ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, मतलब ए एक लंबिक आव्यूह है और बी बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू बी इज ऑल्सो आई, ये तो आपको गिवन है। और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए बी इंटू में ए बी का ट्रांसपोज, ए बी इंटू में ए बी का ट्रांसपोज, या ए बी का ट्रांसपोज इंटू में ए बी इक्वल टू आई, ये भी आई के इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें से ये वाला ले, इसको आई के इक्वल प्रूव कर दो, चाहे इसको इक्वल आई के इक्वल प्रूव कर दो, दोनों में से एक को लेना। तो मैं क्या ले रहा हूं, ये ले रहा हूं ए बी इंटू में ए बी का ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हम बहुत पहले से जानते हैं, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं परिवर्त के गुणधर्म, ए के ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज लगा हुआ होता है तो ए आ जाता है, ए प्लस बी पर ट्रांसपोज लगा हुआ है तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यहां बीच में माइनस है तो यहां माइनस, याद आ रहा कुछ, ठीक है। ऐसे ही अगर ए और बी दो मल्टीप्लाई में हो रहे मैट्रिक्सेज हैं और इस पर ट्रांसपोज है तो क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स निकाला जाए या ए के इन्वर्स का ट्रांसपोज निकाला जाए, इक्वल आती है वैल्यूज। ये कुछ बातें हैं जो हम पहले सीख चुके हैं। अच्छा, उसके बाद में होता है ए के ट्रांसपोज पर पावर एन लगा दी जाए या ए पर पावर एन लगा के फिर ट्रांसपोज लिया जाए, ये कुछ बातें थी जो हम जानते। अच्छा, इसमें कुछ और बातें भी थी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज करने पर हमेशा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता था, सममित आव्यू मिलता है हमेशा, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। ये कुछ बातें थी, याद होगा आपको किसी भी एक मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में दो तरीके से तोड़ के लिखते थे, तब हम ये काम में लेते थे, ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज वाला पार्ट तो सिमेट्रिक में और ए माइनस ए की पार्ट ए के ट्रांसपोज वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक में आता था। किया है हमने ये क्वेश्चन, अब आ जाओ इसके ऊपर, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। समझने के लिए अगर चाहो तो आप इसको सी मान लेना कि सी सी का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ये प्रूव करने जा रहे हैं हम। अब यहां पर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की, ये देखो इस ए बी से मुझे कोई एतराज नहीं है, यहां पर है ए बी का ट्रांसपोज, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज, पलट करके। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा मुझे यहां देखो क्या दिख रहा है, बी का ट्रांसपोज, बी बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, तो ये मेरे पास में हो गया ए आई ए का ट्रांसपोज। फिर यहां देखिएगा ए आई, सोचो ए आई इक्वल टू क्या होता है, ए ही होता है क्या, हाँ या नहीं भाई, आई का मतलब तो वन हो गया, तो ये क्या हो गया ए ए का ट्रांसपोज। और फिर देखो ए ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आई के इक्वल, आ गया सी सी का ट्रांसपोज आई के इक्वल। ऐसे ही पलट करके ए बी का ट्रांसपोज इंटू में ए बी
अब इसको कैसे लिखेंगे, पलट करके बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज और इनटू में ए बी, ऐसे है का ऐसा ही। अब यहाँ देखो ए का ट्रांसपोज इनटू ए आई है, तो ये हो गया बी का ट्रांसपोज इनटू आई बी, आई बी बोलो चाहे इसको साथ है, आई का कोई मतलब नहीं होता, ये हो गया बी का ट्रांसपोज इनटू बी। इसका मतलब ये क्या है, आइए बात खत्म। ओके तो ये प्रूव हो गया, और क्या है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूं मैं और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। क्वेश्चन ये है, इफ यदि अक्स, कैपिटल अक्स है ठीक है, इज ऑर्थोगोनल, अक्स इज ऑर्थोगोनल एंड बी इज इक्वल टू अक्स ए और अक्स का ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स जो है वो कैसे बनेगी, मैट्रिक्स अक्स को ए से मल्टीप्लाई करना है फिर उसके अक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, दैट प्रूव दैट प्रूव दैट, क्या प्रूव करना आपको, नंबर एक प्रूव करना ए इज इक्वल टू अक्स का ट्रांसपोज इनटू में बी इनटू में अक्स, ठीक है। नंबर दो, नंबर दो में है बी की पावर 10 इक्वल टू अक्स ए की पावर 10 इंटू अक्स की अक्स का ट्रांसपोज। और नंबर तीन, ये नंबर तीन थोड़ा ज्यादा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स देन बी इज ऑल्सो इन वॉल्यूटरी, ये अभी इन वॉल्यूटरी का मेरे अभी याद हिंदी वाला नाम याद नहीं आ रहा क्या लिखवाया था उस टाइम, देख देख के लिखवाया था, वैसे पता चला ना मैं इसका इन वॉल्यूटरी है, ये लंबी का भी नाम मैंने काफ़ी सर्च किया तब जाके मिला, बाकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है ठीक है, हिंदी में भी ऐसे लिख देते हैं ऑर्थोगोनल ठीक है, तो इसको लंबी काव्यू कहते हैं, कई बुक्स में लिखा हुआ मिला इसको। अब देखोगे ये बातें जो हैं समझना, इसमें हिंदी में क्वेश्चन तो लिख लो, यदि अक्ष एक लंबिक आव्यूह हो तथा b बराबर अक्ष a अक्ष की पावर t, तब सिद्ध कीजिए कि a बराबर दिस b की पावर 10 बराबर ये और a इज इनवॉल्यूटरी, क्या याद नहीं आ रहा, देन b इज ऑल्सो इनवॉल्यूटरी, हिंदी में नाम जो भी है इनवॉल्यूटरी का मतलब तो जान पाते हैं ये अपने को, बस इतने से काम चल जाएगा आपका, इनवॉल्यूटरी का मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। हाँ अब आ जाओ सॉल्यूशन में, अक्स इज ऑर्थोगोनल इसका मतलब क्या है, अक्स अक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू अक्स का ट्रांसपोज इनटू अक्स इक्वल टू आई, और बी आपको गिवन है क्या, अक्स ए अक्स का ट्रांसपोज, ये दे रखा है क्या। मैं अब एक काम कर रहा हूं और इसको ध्यान से देखना, मैंने बी के इस साइड में देखो यहां पर क्या किया, मैंने बी के इस साइड में मैंने अक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए, तो इसका मतलब यहां भी करूंगा क्या, अक्स का ट्रांसपोज ए अक्स का ट्रांसपोज, बात को समझिएगा, मैंने बी के इधर जबरदस्ती अक्स का ट्रांसपोज लिख दिया, यहां पर क्या था पहले से जो था वो लिखा अक्स ए अक्स का ट्रांसपोज और ये जबरदस्ती अक्स का ट्रांसपोज एक्स्ट्रा में लिख दिया, लेकिन काम कर गया ये देखो क्या बन गया, आई बन गया क्या, इसका मतलब ये हो गया अक्स का ट्रांसपोज इंटू बी इज इक्वल टू ये आई ए अक्स का ट्रांसपोज, आई को किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन में आई को लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ए अक्स का ट्रांसपोज लिख सकते हो आप। अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, मुझे बी के दूसरी साइड में अक्स चाहिए, मैंने अक्स के ट्रांसपोज बी ये पहले से है इस साइड में जबरदस्ती अक्स लिख दिया, तो ए अक्स का ट्रांसपोज इंटू अक्स, अब बताइए अक्स का ट्रांसपोज बी अक्स इज इक्वल टू ए और ये क्या हो गया अक्स का ट्रांसपोज इंटू अक्स आई, तो अब बताओ ए आई
यानी ये हो गया ए आई मिलकर के क्या बन गए ए, तो पहले लिख देता हूँ ए इक्वल टू एक्स का ट्रांसपोज बी एक्स। क्या यही आपको प्रूव करना था? बहुत ही केयरफुली कैलकुलेशन आप करते जाएंगे। हाँ, इतना ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में किया है तो इधर भी आरएचएस में भी लेफ्ट साइड में ही करना है। ओके, अब ऐसे ही ये मिटा रहा हूं मैं। हाँ, यहां पर है b की पावर 10, सेकेंड पार्ट, b की पावर 10 इक्वल टू x a की पावर 10 x का ट्रांसपोज, ये चाहिए अपने को। पहले एक बार एक काम करूं मैं, b की पावर 10 नहीं, b की पावर 2 कैलकुलेट करके देखो। b की पावर 2 इक्वल टू क्या आ गया, देखो b की पावर 2 का मतलब है b इंटू बी, और b इंटू बी का क्या मतलब है, एक बार b लिखो, b क्या है भाई, x a x का ट्रांसपोज, यही है क्या b अपने पास में, फिर अक्स ए अक्स का ट्रांसपोज, पावर 10 तक पहुंचेंगे लेकिन पहले मैंने बी स्क्वायर किया। अब देखो ये क्या हो गया, इसको ऐसे लिख दो, अक्स ए अक्स का ट्रांसपोज इनटू में अक्स ए अक्स का ट्रांसपोज। अब यहां देखो क्या हुआ, आप कहेंगे तो आई हो गया, और आई को लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, आई को लिखने की जरूरत नहीं है, तो यह क्या हो गया, अक्स और ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर अक्स का ट्रांसपोज। मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर करने से, देखो b इक्वल टू ये था, b स्क्वायर करने से ये हो गया a स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप b क्यूब करेंगे ना, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, b स्क्वायर इनटू b, अब b स्क्वायर क्या आ गया, x a स्क्वायर x का ट्रांसपोज, ये तो b स्क्वायर है, b क्या है, x a x का ट्रांसपोज, तो ये हो गया x a स्क्वायर x का ट्रांसपोज इंटू x इंटू a इंटू x का ट्रांसपोज। आप यहां देखिए ये क्या हो गया, i x का ट्रांसपोज इंटू, ये तो शुरू में क्या रखा ना, अक्स इज ऑर्थोगोनल, तो ये आई हो गया। अब इस आई को लिखने की जरूरत नहीं है, बीच में ये क्या हो गया, अक्स ए की क्यूब और अक्स का ट्रांसपोज। तो बताइए बी की पावर 4 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप जवाब देंगे तो क्या जवाब दोगे, ए अक्स ए की पावर 4 अक्स की पावर टी। फिर आप क्या जवाब देंगे, बी की पावर 10 क्या हो जाएगा बताओ, अक्स बाइसिमेट्री की पावर 10 अक्स की पावर टी। हो गया, जवाब मिल गया आपको। ओके, फिर आप कह रहे हो इफ ए इज, थर्ड का सॉल्यूशन देखिएगा यहां पर, इफ ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इट मींस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अब बात कर रहा हूं मैं बी की, बी स्क्वायर को उठा रहा हूं मैं, वो बी स्क्वायर यहां सीधे ले लिया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर एक्स का ट्रांसपोज, ए स्क्वायर को मैंने आई लिख दिया तो i को लिखने की जरूरत नहीं है, x x का ट्रांसपोज हुआ गया, और x x का ट्रांसपोज क्या हो गया a, इसका मतलब b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, i स्क्वायर i के इक्वल आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू i, इसका मतलब b इज आल्सो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये बात हमें जाननी थी, जो हमने जान ली, बस इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस मैं यहीं पर खत्म करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, और फिर भी आपसे जो क्वेश्चन नहीं होते हैं आप उनको टिक करके रखें, कोशिश करूँगा मैं कुछ दिनों में उनके लिए और अच्छे से वीडियो बना के या फिर कैसे भी करके मैं एडजस्टमेंट करूँगा। ठीक है, देखो जी, आपको प्रूव करना है एक डिटरमिनेंट को दूसरे डिटरमिनेंट के इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन यह है, प्रूव दैट, सीधे कीजिए कि डिटरमिनेंट है y स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश प्लस सॉरी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई। ठीक है, बी एक्स प्लस सी वाई और बी डैश एक्स प्लस सी डैश वाई। पहली बात तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप ये सोच रहे हो ये क्या हुआ, हमें तो क्या चाहिए था, हम तो सोच रहे थे
कि एक मैच डिटर्मिनेंट 3x3 का है तो सामने वाला डिटर्मिनेंट भी 3x3 का ही होना चाहिए, लेकिन मैंने ये डिटर्मिनेंट तो 3x3 का बनाया, ये 2x2 का बनाया, और अब आपसे कहा कि इक्वल प्रूव करो। तो ध्यान रखें डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, दो डिटर्मिनेंट इक्वल हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यानी संगत अवयव समान, नहीं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, अब कई लग जाएंगे आंख बंद करके वैल्यू कैलकुलेट करने में, और जो 195 मिनट पेपर में मिलती हैं वो तो इसी में लग जाएंगी। सोचो, सोचना क्या है मैं बताऊं, वैसे चलो बस। बात यह है मुझे देखो ax प्लस by चाहिए और इसके अलावा मेरे पास में कोई चारा नहीं है कि ax प्लस by a डैश x प्लस b डैश। तो यहां पर अगर मेरे पास में x आ जाए या y आ जाए, यहां x आए या y आ जाए, और फिर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो मिल सकता है ना। तो मैंने ये किया, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये पूरा कॉलम ही करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। तो ऐसे ही मैंने ये काम किया कि मैंने कॉलम वन पर ऑपरेशन, ये LHS साइड है ना वो ले ली, LHS साइड है y स्क्वायर a एडस माइनस एक्स वाई बी बी डैस एक्स स्क्वायर सी सी डैस। मैंने अगला ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन मैं यहां लिख देता हूं, रेड से लिख देता हूं, ऑपरेशन मैंने लगाया इसको इस, अच्छा एक देखो सी के साथ में क्या, इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं गड़बड़ है, बी एक्स सी थ्री को वाई से, ठीक ये एक बार आप इसको लिखना मत है ना, ये कौन क्या कॉलम आएगा, शायद मेरे हिसाब से सी एक्स प्लस बी वाई आएगा, ठीक है चलो मैं एक बार देखूंगा ना, गलत लिखा गया क्वेश्चन, लेकिन छोड़ो मुझे इसको x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ये एक बार देखेंगे ना, इसको x से मल्टीप्लाई करना है और इसको y से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे पास में ये ऐसे कर रखा है कि इसको मैंने y से मल्टीप्लाई कर रखा है, यही आएगा भाई, सही है, क्या है यहां पर बी एक्स प्लस सी वाई और बी डैश एक्स प्लस सी डैश वाई, ऐसे ही है। तो क्या किया मैंने, कॉलम वन को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कॉलम वन चेंज एक्स कॉलम वन, ठीक है, और कॉलम थ्री में मैंने क्या किया वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कहोगे कॉलम टू एक बार रहने दे, रुको, मैंने ये जैसे ही अप्लाई किया, पहली बात ये बताओ कॉलम को किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी एक कॉलम को या एक रो को अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अक्स गुणा हो जाएगा क्या, उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो क्या बाहर वन अपॉन एक्स वाई लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, सोच के देखो इसको डेल्टा मानते तो डेल्टा की जगह पर एक्स वाई आ जाता, वो नीचे आ जाते हैं, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया ए एक्स और ये हो गया ए डैश एक्स, फिर हो गया माइनस एक्स वाई बी और बी डैश, सब कुछ सेम है, ये हो गया अपने पास में एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई, ये सी वाई और ये सी डैश वाई, इतना काम हो गया। अब मैं जो ऑपरेशन यूज कर रहा हूं वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, कैसे, यहां पर आप देख रहे हैं माइनस का एक्स वाई है, यहां पर क्या देख रहे हैं माइनस एक्स वाई, इसको अगर मैं वाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का वाई एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा क्या, और इसमें जोड़ दूं तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब मैंने इतना सा काम किया, कॉलम वन पर ऑपरेशन अप्लाई किया, क्या कॉलम वन प्लस वाई कॉलम टू, ओके। अच्छा ऐसे ही मैंने इधर देखा, इधर देखो एक्स स्क्वायर वाई है, यहां पर एक्स वाई स्क्वायर, मतलब मैं एक्स का स्क्वायर करूं, मतलब एक्स से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दूं, तो मैंने अगला ऑपरेशन यूज किया सी थ्री पर, कि सी थ्री पर मैंने ऑपरेशन यूज किया सी थ्री प्लस एक्स सी टू, और अब मेरे पास में जो LHS बनी है उसमें देखो पहले तो वन अपॉन एक्स वाई तो पहले से बाहर है, ये वाला क्या बन गया एक्स वाई स्क्वायर इसमें जुड़ गया तो जीरो, फिर देखो इसको बी एक्स से मल्टीप्लाई किया था ना आपने, तो बी एक्स प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई किया था वाई से, सॉरी वाई से मल्टीप्लाई किया इसमें जोड़ा तो ये क्या बना ए एक्स प्लस बी वाई, इसको वाई से मल्टीप्लाई किया इसमें जोड़ दिया तो ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई। सेकेंड कॉलम मैंने एज इट इज रखा माइनस एक्स वाई बी और बी डैश। थर्ड कॉलम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ा जीरो बन गया, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया तो बी एक्स प्लस सी वाई और बी डैश एक्स प्लस सी डैश वाई। अब
किसी एक रो में दो जीरो बन जाए तो ये हटाया, इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ दिया, ये कॉमन निकाल लो बाहर, बाहर कॉमन आ जाएगा माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये माइनस एक्स वाई, अच्छा ऑलरेडी इसका साइन क्या होता है भाई, माइनस ही होता है क्या, प्लस माइनस प्लस, तो उससे प्लस एक्स वाई हो जाएगा क्या। अरे जब आप एक्सपेंड करते हो, प्रसार करते हो, तो प्लस इसका साइन क्या लेते हो, माइनस, फिर उसका कोफैक्टर ऐसे लिखते हो। तो ये आपने ऐसे लिखा कि भाई मैंने वन अपॉन एक्स वाई तो बाहर लिख दिया, मैं देखो लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले जीरो लिखा, जीरो का कोफैक्टर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर माइनस माइनस एक्स वाई, फिर इसका कोफैक्टर लिखूंगा मैं, और प्लस जीरो और इसका भी कोफैक्टर लिखूंगा, ऐसे ही तो होता है। तो फाइनली आप देखेंगे ये प्लस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, मतलब ये कोफैक्टर बचेगा, और ये कोफैक्टर क्या बचा आपके पास में, ए एक्स प्लस बी वाई, ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, बी एक्स प्लस सी वाई, और बी डैश एक्स प्लस सी डैश वाई। ये आपकी आर एच एस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ करके इसको आप नोट कर लेंगे, ओके। तो ये इस तरीके से हमारे जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी लंबी का व्यू, और एक क्वेश्चन हमने जो पिछले लेक्चर पढ़े थे उनसे रिलेटेड भी कर लिए, सॉल्यूशन वाले भी कर लिए, एक ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन भी कर लिया। आज के इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी थोड़े से सब्सक्रिप्शन आप बढ़ा नहीं रहे, आप लोग शेयर किया करो, ठीक है। सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, उसके बाद में तो हमारा एक फिक्स रूटीन है, कोई वीडियो बनाने का झंझट, डायरेक्ट अपन लाइव में रोज़ाना का फिक्स टाइम कर लेंगे घंटे भर, और नई नई बातें करेंगे जिससे कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, जेई मेन एडवांस से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे, जो बिल्कुल अलग होंगी, जो अपने स्कूल में जो कुछ करवाएंगे आगे फ्यूचर में उनसे बिल्कुल अलग डिफरेंट बातें करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, एडवांस तक के हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं जीवी में, ठीक है। तो शेयर वेयर करें और सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ाएं, ताकि हम डेली मिल सकें अच्छे से, और आप भी अपनी प्रॉब्लम्स है वो पुट कर सकें, मैं उनका सॉल्यूशन आपको इजी वे में करवा सकूं, न कोई एडिटिंग का झंझट रहेगा उसके बाद में, न किसी प्रकार की रिकॉर्डिंग का, डायरेक्ट अपन लाइव बात कर सकें, ओके फ्रेंड्स। तो अभी के लिए थैंक यू, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके।